रियासत का मतलब माहौल ऐसा टाइप से है कि क्या ही बताएं। हम लोग रात के टाइम पे यहाँ पे हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक यार। समय हो चुका है, अभी 8 बज रहा है और जो हाथी है अभी गांव के अंदर घुस रहा है, अभी मटियानाड़ के पास ही है। तो कई सारे सुनने में आ रहा है कि कई सारे जो घर हैं उनको उजाड़ने में भी लगे हुए हैं, और खरी जो मतलब धान का जो छल्ली जो लगाए रहते हैं मिसाई करने के लिए, तो वहाँ पे भी खाने लग गए हैं। और किसके घर का है तो एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं है, बाकी बोल रहे हैं कि झूरू का घर ऐसे करके बोल रहे हैं उनके घर के पास। और आप देखोगे कि तो जगह जगह पे आग लगा के रखे, तो वो चीज़ मैं जूम करके दिखाता हूँ ठीक है आपको। तो ये देखो जो है हर जगह में ना ऐसे आग लगा के रखे हैं, और इधर पे बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, मेरे को लगता है कि इधर पे ही हो सकता है करके, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या चीज़ में। भैया गाड़ी ऊपर गाड़ी इधर आते जा रहे हैं, और ये सब बचाव दल के हैं, मतलब ये समझो कि ये पूरे उड़न दस्ता, मतलब जो फॉरेस्ट विभाग के रहते हैं वही सारे लोग हैं। और बहुत ज़्यादा गजब, एकदम बहुत ज़्यादा भयावह माहौल है। कौन सा है? चलो ना, तो चलो चलो यार। पूरा जो एकदम मटियानाड़ है ना, पूरा एकदम डर के माहौल में है अभी। और काफ़ी सारे जो लड़के लोग आ रहे हैं उनको पूछते हैं कि किधर पे, कहाँ पे है गणेश, कौन तरफ है वो आगे 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 झुमुक के बारी में। अरे भाई साहब गजब है यार, कैसे तो भाई गजब माहौल है यार एकदम। अरे गणेश गाड़ी वगैरह कुछ वो कर लिया रहना ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बचाने के लिए एकदम रेडी। तो देखते हैं कि क्या सीन है इधर का, बाकी थोड़ी देर तक ही रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे भैया घर, क्योंकि ये रिस्की थोड़ा काम वाला है। भैया ललित का जो गाड़ी है वहीं पे है अपन लोग, और इधर पे है बुल्ला और ललित भाई भी उधर पे है। भैया घूम गए आदमी सब, एक आ गए सब आदमी, एक आ गए नहीं थे। अरे रहते सब आदमी तो एक घूम गए इनका। रुक जा रुक जा बुल्ला, लाइट वगैरह तो मार तो रहे हैं, बाकी दिखाई तो दे ही नहीं रहा। तो भैया पहुंच चुका है यहाँ पे हाथी एकदम, ये तो देखा गांव के अंदर घुस रहा है एकदम। हाँ हाँ अबे यहीं, अरे यार गजब का माहौल ब्रो, ये तो गांव के अंदर घुस रहे हैं। अरे भाई साहब बहुत बड़ा बड़ा हाथी है ये तो। तो भाई साहब ये पूरा जो मटियानाड़ जो गांव है ना उधर पे घुस गया है, और ये तो 300 से 400 जनसंख्या में है। और पीछे पीछे बहुत ही ज्यादा एकदम डर का माहौल है, बाकी इधर पे लाइट ही लाइट उधर पे जला के रखे हैं, और जो हाथी है उधर पे निकल गया, तो जगह जगह पे ऐसा कुछ माहौल है भाई डर का एकदम, बहुत ही ज्यादा गंदा टाइप से माहौल है। सब चार जो हाथी है वो निकल गया अभी बड़का टोला की तरफ, जो मटियानाड़ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है, लेकिन जो जैसे क्रॉस कर जाएंगे उधर वाला जो रास्ता है ना, तो फिर गए भाई लग जाएंगे अच्छे से, तो इधर वाला देखना पड़ेगा। तो भाई सब जहाँ जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे आग लगाया गया है, और फिलहाल अभी बड़का टोला भी और 4 जो हाथी हम लोग भाई अंधेरे में तो दिखाई तो नहीं दे रहा, बस जो घर का माहौल है ना बहुत ही गंदा टाइप से। अपन लोग भी अपन लोग दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते घर के पास पहुँच चुके हैं अपन लोग ठीक है। तो इधर पे क्या सीन होता है वो चीज़ हम लोग अब वीडियो में ही पता चलेगा कि क्या चीज़ होने वाला है आगे ठीक है। ये वो रहा मेरा घर, और यहाँ पे सब लोग दहशत का एक माहौल ही है ऐसे ही, और यहाँ पे मैं पैरा निकाल के रख दिया हूँ ठीक है,
और जैसे अगर आता है वगैरह है आसपास में, अगर कुछ पता चलता है तो इधर पे हम लोग आग जलाने वाले हैं। फिलहाल जो गाड़ी जो है मतलब सहायता केंद्र यही समझ लो कि जो हम लोग का सहायता कर रहे हैं अभी, तो ये गाड़ी अभी आना जाना चल ही रहा है। तो इसमें बहुत सारे जो हैं कर्मचारी हैं जो हम लोग को हाथी वगैरह से बचाने के लिए अभी चल रहे हैं, तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है, तो ज़्यादा अच्छा लगा। और अब हमारे जो करती हैं पूरी छत के ऊपर में भी, तो शायद वो तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इन्हीं के ऊपर में तो ये जुगाड़ कर रहे हैं रात में हाथी भगाने का, तो जिसमें बुल्ला है और एक चाचा है। अरे आगे में ना आ जाए भाई, देख देख छोड़ू आसपास टॉर्च मारना। तो देखते हैं फिर क्या सीन होता है, लेकिन गांव के पूरे लोग एकजुट हो चुके हैं और टाइम अभी हो चुका है भाई 11, और देख रहे हो कि पूरे गांव तरफ के पूरे आ चुके हैं इधर पे। यार का बहुत ही ज़्यादा गंदा माहौल टाइप से चल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा है कि छोड़ तो नहीं सकते ना भाई, कि गाँव के अंदर घुस जाते हैं ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो जिस कारण से हम लोग दौड़ाने में लगे हुए हैं। तो भाई तो ये भाई पूरा गांव जो है झूमर चुका है, बाकी हाथी जो है उस पार निकल चुका है। तो उधर पे जो टार्च जला रहे हैं एकजुट, तो यार ये पूरे गांव के लोग देख सकते हो, तो एकदम ज्यादा अगर पास जा रहे हैं तो आवाज कर रहे हो। तो यहाँ का जो माहौल है भाई बहुत गंदा टाइप से है, क्योंकि ज्यादा पास भी जाना गलत है, गांव के अंदर घुस रहे हैं ना। गुरुजी कुछ कहना चाहवे का? अरे हाँ थी, भारी डर लगा थे भैया, कुदे जा थे का। चल 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 चल, कहाँ थे कहाँ थे इधर घर तो नहीं घुस गए ने? तीन ठो है तो कैसे ये वाले रेखा वोखा तोड़ दे इनका? नहीं, अरे तय बने टार्च जलाना, अरे आग ही देख के देख के, अरे तो दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे फोकस 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 वहां कर, नीरज 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 किनारे हो किनारे हो। फोकस फोकस वही मकर, फोकस वही मकर। जब जो डर का माहौल है ना बहुत गंदा टाइप से है यार, हम लोग अभी तक में कहा जाए तो जो हाथी था ना उसको बिछड़वा चुके हैं, और सही भी नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि गांव के अंदर घुस रहे तो सब लोग को मतलब किनारे करना है, क्योंकि मतलब गांव से जंगल की ओर लेकर चल रहे हैं। थोड़ा भीड़ भाड़ माहौल ऐसे ही है, लेकिन हम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, एडजस्ट कर लेना। अरे रोड पार गांव में जो डर का माहौल है बहुत ही गंदा तरीके से। मैं जस्ट अभी आया हूँ, इतना ज्यादा थक चुका हूँ कि क्या ही बता नहीं सकता मैं उसको, और जैसे आया हूँ वैसे ही फेंका गया हूँ बेड पे, ये देख सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे रहे अपडेट, और देखते हैं कि सुबह टाइम जो हाथी हैं वो कैसा सीन है। लेकिन जो हाथी का जो अभी अपडेट बताऊं भाई मैं, तो ना तो हम लोग के घर जो है ना, हम लोग का घर समथिंग अराउंड मान लो आधा किलोमीटर का रेंज छोड़ के बाकी चारों तरफ ऐसा लग रहा है ना कि चारों तरफ हाथी ही हाथी है, और आवाज़ भी कर रहा है तो समझ में नहीं आ रही कि क्या करें करके। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि भाई किसी को भगाए ना तो कोई दिक्कत हो करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है। बस जो भी चीज़ अपना धान वान वगैरह जो भी चीज़ नुकसान वो लोग कर रहे हैं तो चलो उसका तो समझ में भी आता है, लेकिन जान माल का हानि कुछ अभी तक मैं पता नहीं चला है। और ठीक है, बस यही अपडेट देना था। और हाथी को भगाने के लिए कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं अभी बहुत सारे लोग, मेरे पास में करीबन मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूर पे बांधा है, तो वहाँ तक हम लोग ने दौड़ा के आया, और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं यार बता नहीं सकता। और ललित भी चले गए अपने घर, कमलेश भी चले गया, अतुल भी चले गया, और मैं भी अपने घर पर आ गया हूँ। तो बस यही रहा आज का सीन, तो ठीक है यही अपडेट देना था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर,
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।